नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा सातवीं की पाठ्य पुस्तक तरंग हिंदी पाठमाला का पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ 10 है हमारा सूरमा। सूरमा अर्थात वीर। साहस और कर्मठता की शिक्षा देती यह कविता बच्चों को विपत्ति के समय विचलित न होने और धीरज न खोने की सीख देती है। वीर पुरुष के मार्ग में कोई भी विघ्न रुकावट नहीं बन सकता, बाधा नहीं बन सकता, यही उसकी कर्तव्य निष्ठा की पहचान है। तो आइए हम पढ़ते हैं कविता सूरमा। सच ही विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते ही कांटों में राह बनाते हैं। कभी कहते हैं कि यह सच है कि जब विपत्ति संकट मुसीबत आती है तो जो कायर व्यक्ति होते हैं उन्हें ही दहलाती है, उन्हें ही विचलित करती है। जो सूरमा अर्थात वीर होते हैं वे कैसी भी कठिन परिस्थिति आ जाए वे विचलित नहीं होते हैं। वे एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी अपना धैर्य, अपना धीरज नहीं खोते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्न कितनी ही बाधाएं, कितनी ही मुसीबत क्यों ना आ जाए वे उन्हें गले लगाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं और कांटों में भी अपनी राह अर्थात कांटों को भी दूर हटाकर वे उसमें मार्ग बना लेते। आगे को भी कहते हैं, मोह से न कभी उफ कहते, संकट का चरण गहते, जो आ पड़ता सब उसे सहते। उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल न साते, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। कितनी ही संकट, कितनी ही मुसीबत, कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए लेकिन जो वीर होते हैं उनके मुंह से उफ तक नहीं निकलती है। वे संकट का चरण गहते हैं और वे संकट के चरण को पकड़ते हुए उसका सामना करते हुए वे आगे बढ़ जाते हैं, वे पीछे नहीं हटते हैं। कितनी ही राह में उन्हें यदि उन्होंने निश्चय कर लिया कि उन्हें इसमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है तो उसे प्राप्त करने के लिए वे आगे बढ़ते चले जाते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, पीछे नहीं आते हैं। उद्योग निरत नित रहते हैं और वे अपने काम में नित्य रोज लगे रहते हैं, शूलों का मूल न साते, और जो शूल अर्थात जो कांटे होते हैं उन्हें उनकी जड़ों का नाश करते हुए वे आगे बढ़ते अपने कार्य में रत रहते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं और खुद आगे बढ़ते हुए विपत्तियों पर छा जाते हैं, विपत्ति और मुसीबतों को अपने ऊपर छाने नहीं देते। आगे को भी कहते हैं, हे कौन विघ्न ऐसा जन में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता ही जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता पत्थर पानी बन जाता। कवि कहते हैं कि ऐसी कौन सा संसार में ऐसा कौन सा विघ्न बाधा संकट है जो आदमी के सामने टिक सके। संसार में, जगत में ऐसा कौन सा विघ्न बाधा या मुसीबत है जो मनुष्य के आगे टिक सके। ऐसा कोई भी मुसीबत, विघ्न या संकट नहीं है जो आदमी या मनुष्य के सामने टिक सके। यदि उन्होंने उसको निश्चय कर लिया है कि वे उसका सामना करेंगे तो कोई भी मुसीबत उसके सामने नहीं टिकती है। और यदि वो क्या करते हैं, अपनी राह में आने वाली मुसीबतों का सामना कर लेते हैं और वो पर्वत को भी उखाड़ फेंकते हैं। और मानो जब अपने साहस से कार्य करता है, आगे बढ़ते चला जाता है तो वो क्या कर देता है, पत्थर को भी पानी बना देता है। आगे कवि कहते हैं, गुण बड़े हैं एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, व्रति का बीज उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता रोशनी नहीं वह पाता। कवि कहते हैं, मनुष्य में एक बहुत बड़ा गुण है,
कि उसके भीतर बहुत सारे गुण छुपे रहते हैं और वो उसको पहचानने की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मेहंदी पहले तो हरी दिखाई देती है लेकिन बाद में वो रचने पर अपना गुण दिखाती है, ठीक उसी प्रकार वह लाल हो जाती, वैसे ही मनुष्य अपने परिश्रम से मेहंदी के समान ऊपर से तो निर्बल दिखता है लेकिन अंदर से क्या है वह लाल है, मेहंदी के समान लाल दिखाई देता है। प्रतीका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता रोशनी नहीं वह पाता। कवि कहते हैं कि मनुष्य को यह अपने कार्य करते रहना चाहिए, यदि हमने परिश्रम करा मेहनत की तो निश्चय ही हमें उसका फल मिलेगा। ठीक उसी प्रकार यदि हमने दीपक में रोशनी लानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी बत्ती को जलाना होगा तभी हमें रोशनी प्राप्त होगी, नहीं तो बगैर बत्ती जलाए दीपक रोशनी नहीं देगा। धन्यवाद।